हेलो फ्रेंड्स, उरुशीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टोमेटो राइस की रेसिपी। और ये बनाना बहुत ही आसान है, ये फुल मील में आपको काम लगेगा। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 टमाटर मीडियम साइज के, जिसको मैंने बारीक काट लिया है, 2 हरी मिर्च, 1 छोटा एक प्याज जिसको बारीक कटा हुआ है, 2 चम्मच पुदीना के पत्ते, धनिया, 1 चम्मच अदरक की पेस्ट, उड़द की दाल 1 चम्मच, 1 चम्मच चने की दाल, खड़े मसाले, काजू, और ये राइस है जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, और बाकी के रूटीन मसाले, तेल और थोड़ा सा घी। मैंने गैस ऑन कर दिया है और इसमें मैं 1 से 1.5 चम्मच तेल लेती हूँ और थोड़ा सा घी भी डालना है मुझे, ताकि इसका टेस्ट अच्छा लगे। गरम होते ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा गरम होते ही हम इसमें राई डालेंगे 1 चम्मच, खड़े मसाले इसमें 1 दालचीनी, 4 लौंग और 4 काली मिर्च लिए, और 1 तेजपत्ता, हरी मिर्च जो है वो आप अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हो। तो इसमें मैं सिर्फ 1 हरी मिर्च 2 टुकड़े करके डाल दूंगी, और अदरक का पेस्ट, और अब ये टमाटर डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से पक जाने के बाद ही पुदीना के पत्ते डालना। तो ये देखिए, ये रेडी हो गया है। अब मैं इसमें राइस डालूंगी, तो मैं ये राइस ऐड कर देती हूँ। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए राइस रेडी हो गए हैं, अब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सर्विंग प्लेट में ले लिया है। अब हम इसको गार्निश करेंगे कोरिएंडर और पुदीना के पत्ते के साथ। इसको हम गार्निश करके दही के साथ सर्व करेंगे। तो ये देखिए टोमेटो राइस रेडी है, आप ट्राई जरूर करना। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।